जी कालम हुआ घर जनसराज के कौन हैं आप? अध्यक्ष बने हैं यूथ क्लब का। मेरा घर हुआ पूरा रामदेली, पंचायत रामदेली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ जलालगढ़ प्रखंड के रामदेली पंचायत के वार्ड संख्या 2 में। यहाँ पे जन स्वराज एक ऐसा अभियान जिसको लीड कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जिनका की राजनीति में एक अहम भूमिका रही है, खासकर भारत के राजनीति में, बिहार की राजनीति में, बंगाल की राजनीति में। तो हम जानेंगे कि यहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं का यह जो जन स्वराज है वो किस प्रकार से काम करता है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और बिहार के विकास के बेहतरी के लिए उनका क्या योगदान रहेगा। चलिए इन सब विषयों पे उनके कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद इत्तफाक आलम हुआ, मेरा घर गढ़िया बलुआ हुआ, कस्बा विधानसभा। यह जन स्वराज क्या है? जन स्वराज एक सोच है जी। अगर देखा जाए तो जन स्वराज एक समूह को जोड़ने का एक सोच बनाया गया है, ताकि सही लोग, सही दिशा, सब का प्रयास के साथ एक जन स्वराज बनाया गया है। पार्टी तो नहीं कही है, संगठन कही है कि इस बिहार को कैसे समाज सुधार किया जाए। देखिए, बिहार की राजनीति में जो भी जितने भी अब तक मुख्यमंत्री आए, जिन्होंने भी काम किया अपने स्तर से, प्रशांत किशोर जी ने बिहार के बेहतरी के लिए अहम योगदान दिया है, इस बारे में पूरी बिहार की जनता जानती है। लेकिन उनका जो अब राजनीति के क्षेत्र से हट के एक अलग सोच है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार का जो सोच करके उन्होंने जिताया था नीतीश जी को, या जो राजनीति जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में तो सब दिन चले आ रहा है। जी बिल्कुल, लालू जी का सरकार रहा, फिर नीतीश जी का सरकार रहा, लेकिन जो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का एक नया सोच है कि हम लोग तो जो जीना था जी लिए, आने वाला जो पीढ़ी है वो कैसे चेंजिंग में आए। हम 72-75 साल से हम लोग आजादी होने के बाद भी हमारा जो राज्य है आज 20वां-30वां स्थान में है, तो हमारा अग्रणी श्रेणी में मतलब एक नंबर में कैसे आएगा। जिसके लिए एक समूह बनाया गया है और सबको मिलकर के, सबको जोड़ करके एक नया सोच, नया दिशा दे करके उसको बनाया जाता है। अच्छा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कें, इस पे क्या कहेंगे आप कि उन पे प्रशांत किशोर जी की सोच क्या है? देखिए, सोच इसी बात के लिए है ना, हम लोग तो बोलने के लिए टाइम, जब इलेक्शन आता है तो सब हम लोग स्वास्थ्य, सड़क और बिजली पानी सब कहते हैं, लेकिन धरातल में उतरता नहीं है। लेकिन इसी दिशा को बदलने के लिए हम लोग एक नया लेके चल रहे हैं समूह, ताकि लोगों का आने वाला भविष्य का, शिक्षा कैसे हो, सड़क या बिजली पानी इसका सुविधा होने का नया दिशा हो, नया सोच हो। देखिए, जन स्वराज एक नई सोच है बिहार के राजनीति में आए हुए नए बदलाव के लिए। तो अगर यह जन स्वराज लोगों के बीच जा रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी जैसी सुविधाओं पर अगर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास विकास करेगा बिहार, बेहतर बिहार बनेगा।